बैक टू माई यूट्यूब चैनल आई एल्सो विद एम के। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन क्लास की रीडिंग की वीडियो डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। अगर अच्छी नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। ओके सो मेरा जो न्यू बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 1 मई। इस बैच में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स होंगे। सो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके क्लासेस को ज्वाइन है वो कर सकता है। ओके सो अब हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं रीडिंग। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। सो राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क 2 एंड लिसनिंग हो चुका है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। ठीक है, सो ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, इनके बीच में क्या डिफरेंस है मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ टीच किया था येस्टरडे। ठीक है, कि क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन आई होगी, क्योंकि मैंने पर्सनल एग्जांपल्स दी थी और जो चीज़ हम पर्सनल एग्जांपल के साथ समझते हैं उसमें हमें कोई भी डाउट है वो नहीं रहेगा। मैंने आपको हर एक तरीका बता दिया कि कैसे ट्रू आना है, कैसे फॉल्स आना है, कौन कौन सी वो ट्रिक्स यूज़ करते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है हमारा, इनके बीच में जो भी डिफरेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ट्रू कब लिखना है हमने, फॉल्स कब लिखना है और नॉट गिवन कब लिखना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिल्ड्रन विद गुड सेल्फ कंट्रोल आर नॉन टू बी लाइकली टू डू वेल एट स्कूल लेटर ऑन, कि जिन बच्चों के पास अच्छा सेल्फ कंट्रोल होता है स्कूल लाइफ के बाद वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिन बच्चों के पास अच्छा सेल्फ कंट्रोल होता है उनका स्कूल के बाद काफ़ी अच्छा बिहेवियर है होता है, काफ़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है वो होती है। अगर हमें ये बात मिलती है कि हाँ वो अच्छे परफॉर्म करते हैं, अच्छा उनका बिहेवियर होता है, ठीक है, तो आंसर ट्रू। अगर वो बोलते हैं कि अच्छा नहीं है बुरा होता है तो फॉल्स। अगर कोई बात ही नहीं की होगी तो हमारा नॉट गिवन आ जाएगा। अब हम देखते हैं स्कूल एंड सेल्फ कंट्रोल की बात हमें कहाँ पे मिलती है। ओके, अब हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। सो जो सेल्फ कंट्रोल की बात है ना वो हमें कहाँ कहाँ पर मिली है, दो जगह पर मुझे मिली है, पहली ये रही एंड दूसरी ये रही। ठीक है, अब हमने देखना है कि स्कूल की बात किस पैराग्राफ में हुई है, वो हमारी एक्यूरेट लोकेशन होगी। अब एक कीवर्ड तो हमें दो दो लोकेशन पर मिल जाता है ना, लेकिन फिर बच्चों को कन्फ्यूज़न आती है कि एक्यूरेट क्या होगा, इस एक्यूरेट लोकेशन इसकी क्या होगी, उसमें प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास तो दो दो लोकेशंस हैं तो एक्यूरेट लोकेशंस क्या होगी। तो हम एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें से कोई और कीवर्ड देखते हैं जिसमें वो कीवर्ड मिलेगा हमें, वो हमारी एक्यूरेट लोकेशन होगी। तो यहाँ पे क्या है, स्कूल की बात हो रही है, स्कूल के बच्चों की बात हो रही है, तो जिस पैराग्राफ में चिल्ड्रन, ठीक है, स्कूल की बात हुई होगी वो हमारी लोकेशन होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। वहाँ पे था जिन बच्चों के पास गुड सेल्फ कंट्रोल है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे पढ़ा तो मुझे सेल्फ कंट्रोल की बात तो मिली है, लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल गुड है या फिर स्कूल की बात वो मुझे इस पैराग्राफ में नहीं मिली है। जब मैंने नीचे वाला रीड आउट किया तो मुझे बच्चों की बात मिली है, स्कॉलर्स की भी बात मिली है। स्कॉलर्स कौन होते हैं, जो स्कूल जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर था गुड, यहाँ पर है ग्रेटर, सेल्फ़ कंट्रोल, सेल्फ़ कंट्रोल तो डायरेक्ट ही गिवन था। ठीक है, तो हमारी एक्यूरेट लोकेशन क्या है, ये वाली हमारी एक्यूरेट लोकेशन है। ठीक है, चिल्ड्रन की बात डायरेक्ट मिल गई, गुड की जगह पर ग्रेटर मिल गया, सेल्फ़ कंट्रोल का सेल्फ़ कंट्रोल मिल गया। ओके,
तो अब हम देखते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करते हैं या बुरा परफॉर्म करते हैं. शी फाउंड दैट चिल्ड्रन विद ग्रेटर सेल्फ कंट्रोल सॉल्व अ प्रॉब्लम मोर क्यूकली व्हेन एक्सप्लोरिंग एन अनफैमिलियर सेटअप रिक्वायरिंग साइंटिफिक रीजनिंग. तो क्या कहते हैं कि जिनके पास अच्छा सेल्फ कंट्रोल होता है वो तो बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं दूसरे बच्चों के कंपैरिजन. दिस सॉर्ट ऑफ एविडेंस मेक अस थिंक्स दैट गिविंग चिल्ड्रन द चांस टू प्ले विल मेक दैम मोर सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्वर इन द लॉन्ग रन. सो उन्होंने क्या बोला कि इस टाइप का जब उनका नेचर हो जाता है तो वो क्या है लॉन्ग टर्म में आने वाले टाइम में बहुत अच्छे सॉल्वर बनते हैं, बहुत अच्छे से क्या है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन थी, क्वेश्चन में था कि जिनके पास अच्छा सेल्फ कंट्रोल है वो स्कूल के बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं. ठीक है, जब हम लोकेशन पर आए बच्चों की बात में मिल गई, गुड की जगह पर ग्रेटर मिला, सेल्फ कंट्रोल हमें डायरेक्ट मिल गया. अब ये उन्होंने क्या बोला कि वो अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं लॉन्ग रन में, मतलब स्कूल के बाद भी उनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है बहुत इफ़ेक्टिव रहती है. तो क्वेश्चन में भी यही बात थी कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है लेटर लाइफ तक, आने वाले टाइम तक अच्छी रहती है. तो यहाँ पे बोला है कि लॉन्ग रन तक वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. तो हमारी क्या है स्टेटमेंट मैच हुई है, जो बात क्वेश्चन में की गई थी वही हमें यहाँ पे मिली है. तो एक्यूरेट आंसर ट्रू, जिस जिसने भी इसका आंसर ट्रू लगाया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है इसका आंसर. ठीक है, सो मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाऊँगी, 2 आपने करने हैं फिर. ठीक है, फिर इसके साथ वाली और क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, देन आपकी परफॉर्मेंस पता चल जाएगी कि आपको कितना समझ में नहीं आया. और जिसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम आएगी, जो मैं आपको होमवर्क दूंगी एज ए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, उसमें अगर किसी को भी दिक्कत आएगी तो आप मेरे को पूछ लेना कभी भी. ओके, सो अच्छे से आपने करना है. जैसे आपकी परफॉर्मेंस बाकी मॉड्यूल्स में अच्छी हो रही है तो इसमें भी आपकी डे बाय डे क्या है इनक्रीज होनी चाहिए. ठीक है, काफ़ी बच्चों के जो 8 बैंड आ रहे हैं आपके भी उतने आने चाहिए. ठीक है, तो लिमिटेड करो बट इतना इफ़ेक्टिव वे से करो कि आपको वो चीज़ कभी भी स्किप ना हो. अभी मैं आपको जस्ट 3 करवाऊंगी, 2 आपने खुद जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ वही स्ट्रैटेजी आपने खुद अप्लाई करके देखनी है. जब तक वो अप्लाई करने नहीं आएगी तब तक प्रॉब्लम आएगी. और जिसका आंसर गलत होगा उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी कि कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं. ठीक है, मतलब एक टाइप के ऊपर अच्छे से हमने कमांड बनानी है. सेकेंड देखो, द वे अ चिल्ड्रन प्ले मे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबल मेडिकल प्रॉब्लम्स. कहते कि जैसे बच्चा खेलता है उससे क्या है हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है मेडिकल प्रॉब्लम्स की. ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेडिकल प्रॉब्लम्स की बात कहाँ पे हो रही है. हो सकता है कि वो बीमारियों के नेम उन्होंने वहाँ पे मेंशन किए हों, कुछ भी हो सकता है. सो देखते हैं, और ये एग्ज़ाम लेवल की रीडिंग है. ओके, सो यहाँ तक तो हमारा हो गया था. यहाँ पे मैंने स्कैन किया तो मुझे कोई भी मेडिकल या फिर कोई बीमारियों के नेम नहीं मेंशन है. तो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग. सो यहाँ पे मुझे क्या है चिल्ड्रन प्ले की भी बात हुई है. ठीक है, और मेडिकल प्रॉब्लम्स की जगह पर हमें यहाँ पे गिवन है डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर लाइक ऑटिज़म. तो बीमारियों के नेम हमें मेंशन है. पिछले वाले में हमें कोई भी बीमारियों की बात नहीं गिवन थी उसमें. ठीक है, और ना ही हमें उसको उसमें कोई वर्ड मिला था मेडिकल. ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ. मैंने एक बार फिर से क्वेश्चन को रिमाइंड करना है कि जैसे बच्चे खेलते हैं उनसे उनको पता चलता है किसके बारे में, मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में. अगर उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है तो ट्रू, अगर नहीं पता चलता तो फॉल्स, अगर कोई बात ही नहीं की होगी तो नॉट गिवन. ओके, सो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से पढ़ते हैं. आई इन्वेस्टिगेटेड, कहते हैं कि मैंने इन्वेस्टिगेट किया है हाउ ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन एट प्ले कैन गिव अस इम्पॉर्टेंट क्लू अबाउट देयर वेलबींग एंड
कैन इवन बी यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर लाइक ऑटिज़म। उन्होंने क्या बोला कि मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि जैसे बच्चे खेलते हैं वो हमें क्ल्यू देते हैं, मतलब हिंट देते हैं कि वो वेल बीइंग है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमें डायग्नोस, मतलब फाइंड आउट करने के लिए कि उनको कोई डिसऑर्डर, कोई बीमारी तो नहीं है जैसे कि ऑटिज़म। क्वेश्चन में क्या था कि जैसे बच्चे खेलते हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। मैं लोकेशन पर चली गई, मुझे वहाँ पे क्या है चिल्ड्रन प्ले की भी बात मिल गई और मेडिकल प्रॉब्लम्स की जगह पर वहाँ पे बीमारियों के नेम गिवन थे, तो चिल्ड्रन प्ले मुझे डायरेक्ट मिल गया। प्रोवाइड की जगह पर क्ल्यू मिला, ठीक है, मेडिकल प्रॉब्लम्स की जगह पर वहाँ पर हमें बीमारियों का नेम मेंशन था, ऑटिज़म और उसके साथ डिसऑर्डर भी था। तो क्वेश्चन में क्या था कि वो मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जब हम लोकेशन पर आए तो हमें यहाँ पे बात मिली है कि जो बच्चों का खेलना है वो उनको क्ल्यू, मतलब हिंट देता है किसके बारे में, कि वो अच्छे हैं या फिर उनको कोई बीमारी है या नहीं है, ठीक है। तो बीमारियों की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेइंग विद द डॉल्स वॉज फाउंड टू बेनिफिट गर्ल्स राइटिंग मोर देन बॉयज़ राइटिंग, कि डॉल्स के साथ खेलना गर्ल्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। अगर हम ये बात की होगी कि गर्ल्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, बॉयज़ के लिए कम बेनिफिशियल है, तो आंसर ट्रू, ठीक है। अगर वाइस वर्सा होगा तो फॉल्स। अगर कोई बात ही नहीं की होगी कि किन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो आंसर हमारा नॉट गिवन। सो हम देखते हैं डॉल्स की बात, गर्ल्स बॉयज़ ये हमें काम पे मिलती हैं। सो डॉल्स की बात मुझे यहाँ पे मिली है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ से, इस लाइन की स्टार्ट हो रही है। चिल्ड्रन रोट longer and better structured story when they first play with the dolls representing characters in the story। क्वेश्चन क्या था कि जो डॉल्स के साथ खेलना है वो गर्ल्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बॉयज़ के लिए कम बेनिफिशियल होता है। तो हमें डॉल्स की बात तो मिली है, ठीक है, लेकिन बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए होता है उसकी तो कोई बात ही नहीं दी हुई कि गर्ल्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, नॉट गिवन, क्योंकि उसके साथ रिलेटेड कोई बात ही नहीं हमें गिवन है, ठीक है। और ये वाले जो दो है ये अभी आपने मेरे को सॉल्व करके बताने हैं। सो फर्स्ट आंसर हमें कैसे मिला कि जिनके पास अच्छा कंट्रोल होता है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो हमें मिला कि जिनके पास ग्रेटर सेल्फ कंट्रोल होता है वो लॉन्ग टर्म तक अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आंसर ट्रू। उसके बाद था कि जो बच्चों का खेलना है वो मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, तो वहाँ पे हमें मिला कि जो बच्चों का खेलना है वो हमें क्ल्यू देता है फाइंड आउट करने के लिए मेडिकल प्रॉब्लम्स को, जैसे कि ऑटिज़म, ठीक है। थर्ड था कि गर्ल्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बॉयज़ के लिए कम फ़ायदेमंद होता है, तो गर्ल डॉल्स की बात हमें मिली, गर्ल्स एंड बॉयज़ की बात तो वहाँ पर कुछ थी नहीं, तो आंसर हमारा नॉट गिवन आएगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा, और जिसको नहीं आया मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। पहले ये वाले दो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके बताओ। ओके।